नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक अग्रवाल एनएलआर इंडिया फाउंडेशन का मैनेजिंग ट्रस्टी हूं। आज का ये कार्यक्रम मैं संचालित करूंगा। आप सभी का आज के इस पैनल डिस्कशन में स्वागत करता हूं। ये पैनल डिस्कशन सासाकावा हेल्थ फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस पैनल डिस्कशन का विषय है एक सपना कुष्ठ मुक्ति का। हमारा उद्देश्य है इस पैनल डिस्कशन के माध्यम से कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना और जो इस रोग से प्रभावित हैं उनकी सहायता करना। कुष्ठ रोग करीब 4000 सालों से अपना कहर मचा रहा है। हमारे देश में करीब 1 लाख नए केस हर साल होते हैं, जिसमें से कईयों को विकलांगता होती है। अब समय आ गया है हम सब एकजुट होकर लेप्रसी का सामना करें। एकत्रित एक्सपर्ट्स आज इस पैनल डिस्कशन के द्वारा बताएंगे हमें क्या करना है। हम आज का डिस्कशन हिंदी और इंग्लिश में करेंगे, जिससे हमारा संदेश ज्यादा लोगों में जा सके। मैं हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय श्री डॉक्टर अनिल कुमार जी, जो कि हमारे देश के लेप्रसी डिपार्टमेंट के सबसे बड़े ऑफिसर हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल लेप्रसी, और समस्त पैनल मेंबर्स का मैं स्वागत करता हूं। ये पैनल डिस्कशन एनएलआर फाउंडेशन पर लाइव प्रसारित किया जा रहा है, एनएलआर इंडिया फाउंडेशन के फेसबुक पेज। जुड़े समस्त ऑडियंस को मैं स्वागत करता हूं। अब मैं सर डॉक्टर अनिल कुमार, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेप्रसी को आमंत्रित करता हूं। सर, पूरा देश आपके गाइडेंस में लेप्रसी पर काम करता है। मैं सर आपको अनुग्रह करता हूं कि आप हमें संबोधित करें और इस पैनल डिस्कशन का शुभारंभ करें। सर धन्यवाद एंड आप सभी को नमस्कार। भारत सरकार के द्वारा काफी सारे काम नेशनल लेप्रोसी कार्यक्रम के अंतर्गत किए जा रहे हैं और पिछले 6 साल में काफी सारे नए नए जो है वो जो एक्शंस लिए गए हैं कार्यक्रम के दौरान, और उसका नतीजा भी देखने को मिला है। अभी ये बात हुई कि जो डिसेबिलिटी हो जाती है लेप्रोसी की वजह से, लेप्रोसी में सबसे बड़ी समस्या यही है, लेप्रोसी में अगर डिसेबिलिटी ना हो तो लेप्रोसी एक किसी भी चर्म रोग की तरह है, जिसमें चर्म रोग हुआ, दवाई खाई और ठीक हो गए। तो जब सबसे बड़ी समस्या है लेप्रोसी में वो यही है कि इसके अंदर डिसेबिलिटी हो जाती है, और उसको डिसेबिलिटी को रोकना जो है वो बहुत आवश्यक है। उसके दो फायदे हैं अगर हम डिसेबिलिटी को रोकते हैं, और डिसेबिलिटी को रोकने का तरीका ये होता है कि हम इनके जो लेप्रोसी के केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी उनको डिटेक्ट करें और उनका इलाज शुरू करें। उसका दो फायदे हैं। जल्दी डिटेक्ट करने की वजह से एक तो कोई डिसेबिलिटी नहीं होगी, और दूसरा उसका फायदा ये होगा कि क्योंकि वो केस जल्दी डिटेक्ट हो गए हैं और इलाज भी हो गया है, तो उसके द्वारा किसी और दूसरे केस जो है वो नहीं हो पाएंगे, वो नहीं पनपेंगे, और जो लेप्रोसी का जो प्रसार है वो एक से रुक जाएगा। तो ये जो है इसी कार्यक्रम पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमने लेप्रोसी केस डिटेक्शन कैंपेन आरम्भ किया था पूरे देश में, जो जहां जहां लेप्रोसी केसेस ज्यादा पाए गए थे, घर घर जा करके हमारे कार्यकर्ताओं ने केसेस को ढूंढा और उनको घर घर पे जाके एग्जामिन किया, उनको ढूंढा, उनका इलाज शुरू करवाया, जिसकी वजह से आज के जो तारीख है उसमें जो हमारे जितने भी इंडिकेटर हैं लेप्रोसी के वो जो है बिल्कुल न्यूनतम, अब तक के न्यूनतम स्तर पर आ गए हैं। और आज की डेट में मैं कह सकता हूँ, मेरे पास ये डाटा है कि दुनिया में हमारे यहाँ पे जो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है, जो लेप्रोसी को
कंट्रोल करने का जो प्रोग्राम है, लेप्रोसी को खत्म करने का जो कार्यक्रम है, वो पूरे दुनिया में सबसे अच्छा चल रहा है। और हम ये भी आशा करते हैं कि आने वाले 10 वर्षों में हम भारत को लेप्रोसी से मुक्त कर सकें। लेप्रोसी से मुक्त करने का मतलब ये है कि नए केस जो है वो बिल्कुल ना हो। हालांकि क्योंकि लेप्रोसी का जो टाइम है इन्फेक्शन होने के बाद और होने का जो लेप्रोसी जब आरंभ होती है होनी, वो एक लंबा टाइम है। तो कुछ लोग जो उससे पहले जो आज या कुछ उससे और आने वाले कुछ टाइम में जो नए इनको इन्फेक्शन हुआ होगा वो केस होते रहेंगे और वो 20 साल तक भी होते रह सकते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हम भारत को जो लेप्रोसी है इससे फ्री करें और इसके इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये अभी और भी चर्चा होगी, आगे आने वाले चीजें होंगी। इसके साथ मैं बाकी लोग इसके बारे में और बातें करेंगे, मैं यहीं पे रुकता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। डॉक्टर अनिल डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल लेप्रोसी के हमें अभी उन्होंने संबोधित किया। सो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका गाइडेंस हमें सही राह दिखलाता है। और सर आपने जो दो चीज कही कि एक हमारे देश का प्रोग्राम दुनिया के सभी देशों से काफ़ी अच्छा हो रहा है, और दूसरी सर आपने सभी देशवासियों को ये बताया कि अगले 10 साल में हम लोग हमारे देश में लेप्रोसी को जो नए केस होते हैं उसकी मात्रा को हम ख़त्म कर सकेंगे। थैंक यू सर। अब मैं सभी पैनल मेंबर का एक एक करके परिचय करवाऊंगा। पहले मैं डॉक्टर वीवी पाई जो कि बॉम्बे लेप्रोसी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, वे कई सम्मानित संस्थाओं से जुड़े हैं जैसे वर्ल्ड बैंक और WHO। उनके कई पब्लिकेशंस हैं और वे कई सम्मानों से सम्मानित हैं। उन्हें 2012 में बेस्ट डॉक्टर फॉर चैरिटेबल सर्विसेज इन डर्मेटोलॉजी का सम्मान भी प्राप्त है। अगले पैनलिस्ट डॉक्टर विवेक लाल जो कि सासाकावा इंडिया लेप्रोसी फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से कम्युनिटी मेडिसिन में MD की है और करीब 15 सालों से पब्लिक हेल्थ की फील्ड में कार्यरत हैं। डॉक्टर लाल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एंटी लेप्रोसी एसोसिएशन की टेक्निकल कमीशन तथा WHO के एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं। अगले पैनलिस्ट जिनका मैं स्वागत करता हूं, श्री वेणुगोपाल जी एसोसिएशन ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय लेप्रोसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। वे कुष्ठ प्रवाहित व्यक्तियों के साथ 45 वर्षों से ज़्यादा काम करते रहे हैं। इन्होंने हेल्पेज जैसे और संस्थानों के साथ भी काम किया है। वेणुगोपाल जी ने यूनाइटेड नेशंस और UK लॉ चेंबर्स एसोसिएशन को भी संबोधित किया है। उनको बताया है हमारे देश के कुष्ठ पीड़ितों की स्थिति के बारे में। वेलकम वेणुगोपाल जी। नेक्स्ट पैनलिस्ट निकिता सारा जी वो लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया में काम करती हैं एज एडवोकेसी और कम्युनिकेशन के प्रमुख ऑफिसर के तौर पे। उन्होंने करीब 20 भेदभाव वाले कानूनों को ख़त्म करने में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। सपना है एक कुष्ठ मुक्त भारत का, जो कि हम लोग भी आज उस थीम को यूज़ कर रहे हैं। ये इन्हीं के द्वारा परिकल्पित स्लोगन है जिसे भारत सरकार ने अपना और पूरे भारत में प्रसारित किया। वेलकम मैडम निकिता। नेक्स्ट मैं श्री रजनीकांत जी को बुलाना चाहूँगा जो कि लेप्रोसी सोसाइटी में स्टेट कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हैं
और बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और झारखंड राज्यों के प्रभारी हैं। ट्रेनिंग से वे एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और उन्हें कुष्ठ और फाइलेरिया में काम करने का 26 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने लिवरपूल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन यूनाइटेड किंगडम से मास्टर्स किया है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ में। मैं उनका स्वागत करता हूं। रजनीकांत जी, हमारे अगले पैनल मेंबर हैं कार्तिक कलिंदा जी। कार्तिक कलिंदा जी शायद जुड़ नहीं सके हैं, जुड़ सके हैं? मेरे ख्याल है वो जुड़ नहीं सके हैं अभी तक, तो जब जुड़ेंगे मैं उनका फिर से उनका परिचय कराऊंगा। वो एक्चुअली लेप्रसी सर्वाइवर हैं और उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से हॉर्टिकल्चर में डिप्लोमा किया है और उस डिपार्टमेंट में भी उन्होंने प्रशिक्षक के रूप में काम किया है। वे वेस्ट बंगाल में एक लेप्रसी कॉलोनी में रहते हैं और फिलहाल एनएलआर के साथ में एज चेंज एजेंट का काम भी कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 153 सहायता समूहों को मशरूम की खेती और बागवानी सिखाई है। इन्हें सामाजिक कार्यों के लिए कई सम्मान मिले हैं। टेलीग्राफ जो न्यूज़पेपर वेस्ट बंगाल में बड़ा प्रचलित है, द सिग्नेट टाइम्स, दुर्गापुर वर्कशॉप डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दुर्गापुर, आसनसोल पुलिस कमिश्नर आदि कई संस्थानों और व्यक्तियों ने इन्हें सम्मानित किया है। अगर वो जुड़ नहीं सकेंगे तो हम उनका वीडियो प्ले करेंगे बाद में। अब मैं हमारे पैनलिस्ट से कुछ प्रश्न पूछूंगा। फेसबुक पे जुड़े ऑडियंस, आप भी अपना प्रश्न फेसबुक में कमेंट के रूप में पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं श्री डॉक्टर पाई जी से रिक्वेस्ट करता हूं। सर, कोई ये कैसे जाने कि वह कुछ स्ट्रोक से प्रभावित हो गया है? मैं इंग्लिश में दोहराता हूं। How should one know he has leprosy, sir? नमस्कार और धन्यवाद आपको कि मुझे इस पैनल डिस्कशन में आमंत्रित किया गया है। और आपका जो सवाल था कि कोई कैसे जाने कि उनको इस बीमारी के कुछ लक्षण है या संकेत है, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए जाने वाला एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और यह एक लंबे समय तक रहने वाला और लगातार बढ़ने वाला संक्रमण होता है। हालांकि मुख्य रूप से ये जो इन्फेक्शन है ये शरीर की नसों को, मुख्य रूप से शरीर की नसों, बाद में त्वचा पर घात पैदा करता है और काफी अन्य सिस्टम्स को भी अफेक्ट करता है और जिसमें ये प्रभावित होता है। कुष्ठ रोग के नसों का जो प्रभाव होता है उन्हें क्षतिग्रस्त करता है, तो इसी के द्वारा जो लक्षण है वो सामने नजर आते हैं, जैसे कि त्वचा पर चकत्ते आते हैं, चेहरे की जो चमड़ी है, कान है, चेहरे का जो सामने वाला हिस्सा है उसमें मोटापन आता है, उसमें एक प्रकार की तैलीय बदलाव नजर आता है, कभी कभी गांठें आती है। ये जो है ये संक्रमित जो वर्गीकरण में इन्हें गिना जाता है या फिर अनेक प्रकार के अनेक चकत्ते या धब्बे शरीर में दिखते हैं जिसमें सुन होता है, यही इसकी खासियत है। हालांकि त्वचा रोग में, त्वचा का बीमारी में अनेक प्रकार के जो चकत्ते होते हैं जिसमें तकलीफें होती है, खुजली आती है, तो ये जो है इसमें ऐसे कोई लक्षण दिखते नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल सुन रहता है। और ये सबसे बड़ी समस्या है कि इसको जानने में, पहचानने में इसकी शिक्षा होना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस, जागरूकता होना जरूरी है।
तो जिसको या और जो लक्षण है उसमें हाथों पैरों में सुन्न होना, मांसपेशियों का कमजोर होना, तो ऐसे नसों के द्वारा होने वाले जो प्रभाव है, प्रभावित अंग है, या विकृति विकलांगता भी कभी कभी होता है जिन्हें हम पहली बार जब ढूंढते हैं, तो इस प्रकार के अनेक संकेत लक्षण प्रभावित होने वाले व्यक्ति में होता है। तो इसका जागरूकता होना, इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और जिसको ये इस प्रकार के जो लक्षण है, संकेत है, वो नजदीक के अपने स्वास्थ्य केंद्र में या डॉक्टर के पास जाके इसका परीक्षण करे, इसका असेसमेंट करे और ये शंका स्थिति जो है इसको दूर करे। धन्यवाद डॉक्टर पाई जी, आपने बड़े ही सरल तरीके से ये बताया कि चमड़े पे चकत्ते होना, सुन्नपन होना, और जिनको भी हो वो जो डॉक्टर के पास जाए, जो हेल्थ सेंटर हैं, सरकारी हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं गांव में और कहीं भी, तो वहां जाएं और जाके इसकी डायग्नोसिस कराएं और ट्रीटमेंट लें। थैंक यू पाई जी, धन्यवाद। मैं नेक्स्ट डॉक्टर विवेक लाल जी से अनुरोध करता हूं। सर, कुष्ठ रोग क्यों भयावह बीमारी जानी जाती है? What makes leprosy a dreaded disease? थैंक यू डॉक्टर अग्रवाल। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो जिस बीमारी के बारे में अस्पतालों में चर्चा सीमित रहती थी, आज आपके माध्यम से वो चर्चा आम जनता तक पहुंच रही है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सबसे बड़ी बात जो देखी गई है वो ये है कि अगर हमें जानकारी का अभाव होता है किसी भी चीज के बारे में, जानकारी के अभाव में हम उस चीज से घबराते हैं, डरते हैं, और घबराहट से कुरीतियां पैदा होती हैं। और जैसा कि आपने पहले उल्लेख किया, ये एक बीमारी है जो 4000 सालों से, जिसका उल्लेख बाइबल में है, जिसका उल्लेख हिंदू ग्रंथों में भी है, पाया गया है। तो ऐसी चीज जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे समाज में एक बार जो कुरीतियां हैं, जो इनके बारे में जो हमारी धारणाएं बन जाती हैं जानकारी के अभाव में, जैसे कि ये एक हेरिडिटरी बीमारी है, एक अनुवांशिक रोग है, या फिर ये छूत की बीमारी है, बाइलाज है, या फिर जितने भी बीमार है जो इसे ग्रसित होते हैं उन सभी को विकलांगता हो जाती है, इस तरह की जो धारणा है ये इंसानी मस्तिष्क में, हम सबके दिमाग में घर कर जाती है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि इससे हम डरते हैं, और इतने सालों तक हम एक तरह से इसको एक जो भेदभाव की भावना जो रहती है बीमारी के लिए भी, वो हम इसके साथ करते हैं। और जितने भी बीमार हैं जो इससे ग्रसित होते हैं, हम सोचते हैं कि उन्हें जितना दूर रखा जाए अपने से उतना अच्छा है। तो ये जो कारण है, इसके कारण से सबसे ज्यादा है कि हम सभी इस बीमारी से बहुत ज्यादा घबराते हैं। और इसका केवल एक ही उपाय है जो मेरे ख्याल से आगे भी पैनलिस्ट हम लोग आगे भी वार्ता करेंगे इस बारे में, सही धारणा, सही जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी। धन्यवाद डॉक्टर लाल। आपसे मैं एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। तो आपने कहा ये जो डर है उसका मुख्य कारण है जानकारी, सही जानकारी नहीं होना। तो इस डर को क्या चीज ज्यादा बढ़ावा देती है, लोगों को क्या चीज दिखती है लेप्रसी के बारे में? हमारी जो अभी भी धारणा है कि लेप्रसी को हम देखते हैं जो हमारे मंदिरों के बाहर लोग विकलांगता के साथ और भीख मांगते हुए नजर आते हैं, तो हम सभी यही सोचते हैं कि लेप्रसी जो है उसी तरह की है। किसी भी इंसान को, जिस मरीज को लेप्रसी हो जाती है, मतलब वो सभी विकलांग हो जाएंगे और उसी तरह से उनकी जिंदगी और रोजी रोटी का बसर होगा। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पैनल में आज आपने एक कार्तिक के बारे में बताया, जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो इस स्तर तक पहुंच चुके हैं जीवन में, उन्होंने बहुत कुछ पाया है और उनसे भी हम सुनेंगे इस बारे में। तो ये जो धारणा कि विकलांग, सभी विकलांग हो जाते हैं और सबकी जीवन जो है वो उसी तरह से गरीबी में बीतती है और आगे कुछ नहीं कर पाते, इसके कारण से हम इससे डरते रहते हैं, इस बीमारी से। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट संदेश दिया डॉक्टर लाल ने कि
ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि समय से उसका डिटेक्शन हो जाए, ट्रीटमेंट हो जाए। एक बहुत ही स्मॉल परसेंटेज जो कि सही टाइम में जिनका डिटेक्शन नहीं होता, ट्रीटमेंट नहीं होता है, वो लोग विकलांग हो जाते हैं, और ये विकलांगता ही हमारे बीच में सबसे ज्यादा डर पैदा करती है। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर विवेक लाल। अगला अनुरोध मैं वेणुगोपाल जी से करूंगा। वेणुगोपाल जी सर, कुष्ठ पीड़ितों के जीवन की मुख्य समस्याएं क्या हैं? What are the challenges encountered by a leprosy-affected person in living his life? वेणुगोपाल जी, leprosy-affected person की कठिनाइयां उनकी बीमारी लगते ही आरंभ हो जाती है। जैसे कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, मुझे बीमारी लगी है, तो तब से जो है मेरा जीवन जो उथल पुथल हो गया। इसकी मेन रीजन ये था, स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। उस टाइम लोगों की जानकारी भी नहीं थी, और जैसा आज उपलब्ध है इफेक्टिव ड्रग वो भी नहीं था, और समाज की डर के कारण जब मैं बीमार हुआ था, अपने 2 साल तक मैं छुपा कर रखा। फिर उसके बाद विकृतता आने लगी उंगलियों में, तो मजबूरन जो मुझे लेप्रसी हॉस्पिटल जाना पड़ा TLM में ट्रीटमेंट के लिए। ये वो टर्निंग पॉइंट है, जब लेप्रसी हॉस्पिटल जाना ही है, चाहे उसके साथ आप भी जाएंगे तो बोलेंगे आपको भी लेप्रसी है, भावना ऐसी थी। वो चरम पर था उस टाइम स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन। जब गांव वालों को पता लगा, गांव वाला सब पूरा बॉयकॉट कर चुके थे, मुझे ही नहीं, मेरा परिवार को भी। मेरा बहन की शादी भी ब्रेक हो गया था, बोलते इसको बीमारी है, ये सामने आई है, उसको भी होगा, उससे शादी नहीं करेंगे। उसके बाद 2-3 महीना घर में रहा, वो यातना थी, वो यहाँ बयान नहीं कर सकता। जो हमारी ऊपर गुजरी है वो आंखों में आंसू लेके वो 2-3 महीना घर में रहा। आखिरी में स्थितियों की देखते हुए ये तो भाई आगे जाके भी कंटिन्यू होगा, इससे अच्छा है कि घर छोड़ के यहाँ से निकल के चला जाए। तब मैंने अंधेरी रात में घर छोड़ के जो है दिल्ली आके बस गया। 45 साल की लगभग हो रही है। तो यहाँ आने के बाद क्या देखता हूँ, मैंने ये सोचा मेरा साथ ये हो रही है, लेकिन ये कहानी हर एक लेप्रसी अफेक्टेड पर्सन के साथ ही गुजरी है। ये स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन के कारण, अनअवेयरनेस के कारण ही आज जो कॉलोनी आप देख रहे हैं वो बसे हुए। तो आज भी याद करता हूँ तो मेरा रेंगटे खड़ा हो जाती है, जिस स्थितियों से गुजरे, जिस जिस जगह मैंने रहा, कोई भी हाइजीनिक हाउसिंग फैसिलिटी नहीं थी, बेसिक नीड्स नहीं था, और लोग जो है रोज भीख मांगने जाते थे। ये सब देख के बहुत ही देख के ही दुख होता था, मैं अपना दुख भूल जाता था। वो तो ईश्वर की दया से पढ़ा लिखा होने के कारण मैं उसी टाइम डिसाइड किया, मेरा जैसे जो हमारे कुछ भाई बहन है इनकी जीवन स्तर की उभरना चाहिए, जिसके लिए काम करने के संकल्प लेके ये 45 साल से मैं ये काम करते आ रहा हूँ। तो सौभाग्य से आज मुझे बहुत बड़ा मौका मिला है एप्पल का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कार्य करने का। पूरी देश में हमारी संस्था एप्पल अपना प्रयास रहता है, ये नहीं कि आप या समाज ही कर रही है, हम खुद इस प्रयास रहता है कि इस स्थिति से उबर के हम भी एक अच्छे से जीवन, सम्मानित जीवन जी सके। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर
धन्यवाद वेणुगोपाल जी। वेणुगोपाल जी, मैं आपको एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने अपने जीवन के सफर के बारे में बताया कि किस तरह आपको छुपा के रखना पड़ा, उसके बाद फिर आपको गांव छोड़ना पड़ा, आपकी बहन की शादी टूट गई, या ये सारी लेप्रसी के कारण, ठीक है। और क्या आज भी ऐसा ही होता है लोगों के साथ में? हाँ, देखिए आज की तारीख में जितना उस टाइम चरम पर था उस तरह देखा नहीं जाती। और मैं हमेशा फील्ड में रहता हूँ, मुझे मालूम है मेट्रो सिटीज में ये स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही कम हुआ है, लेकिन रूरल एरिया में जाए आज वही भी है। और मेट्रो सिटी में भी हम ये नहीं कह सकता कि टोटली जो है ये समाप्त हो गया, स्टिग्मा समाप्त हो गया, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग अपना मन में सोच के निकल जाते हैं लेकिन मुंह से कहते नहीं है, कुछ लोग आदर के साथ घर में ला के बैठाते बात करते हैं। तो ये स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति ऐसी है। धन्यवाद वेणुगोपाल जी। हाँ, मैं और एक बात मैं समाज से कहना चाहूंगा, देखिए हमारी बच्चे है, आप सबको मालूम है, क्योंकि मैं दवा वगैरह के बारे में नहीं कहूंगा, मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, डॉक्टर विवेक लाल जी ने बताया भी है, लेकिन मैं एक वास्तविक प्रमाण देना चाहता हूँ समाज के सामने। जो मेरा या दूसरी कुष्ठ पीड़ित की बच्चे है वो सब स्वस्थ है, तो वो हमारे साथ है, वो बचपन से रहे हमारे साथ, झूठन का आया हमारे साथ, सोया पले बड़े, लेकिन उनकी बीमारी नहीं हुआ। तो समाज की ये डर क्यों? क्योंकि लोग के पहले से भी एक माइंड सेट है कि कोई पूर्व की पाप है या वो वंशानुगत है या छुआछूत है, ये आज तक गया नहीं है। जितनी अवेयरनेस प्रोग्राम चलती है वो मेरे ख्याल से ये और आगे चलना चाहिए और विस्तृत रूप से चलना चाहिए। तो समाज से मेरा अनुरोध है और समाज से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम भी इंसान है, रोग कोई भी रोग किसी का भी हो सकता है, लेकिन उनकी जो एक सम्मानित जीवन जीने में पूर्ण रूप से सहयोग करे ताकि वो मेन स्ट्रीम में एक डिग्निटी के साथ रहे। और आप सब एनजीओ से भी मेरा यही अनुरोध है, आप भी ये देखिए किस तरह जीवन स्तर ऊपर लाया जा सकता है, ये मेरा अनुरोध है आप सबसे, अपेक्षा भी है। धन्यवाद। धन्यवाद वेणुगोपाल जी। एक्चुअली आपने बहुत अच्छा लोगों से कहा कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, और यही होनी चाहिए कि समाज मिलके जितने भी लोग जिनको भी लेप्रसी हैं उनकी सहायता करें। एक्चुअली कुछ महीनों पहले मैं दिल्ली की एक लेप्रसी कॉलोनी में गया था, वहाँ एक करीब 21 साल के नौजवान से मुलाकात हुई थी। तो उसकी नौकरी इसलिए चली गई थी क्योंकि उसके एम्प्लॉयर को पता चला कि इसके ये लेप्रसी अफेक्टेड फैमिली से आता है और ये लेप्रसी कॉलोनी में रहता है। तो अभी भी हमारे बीच ऐसा स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। सो आशा करते हैं हम लोग पूरे समाज मिलके इस चीज़ों को दूर करेंगे, और समय लगेगा लेकिन हमें केवल सोचते नहीं रहना है, एक्ट करना है। थैंक यू वेणुगोपाल जी। नेक्स्ट मैं मैडम निकिता सारा जी को अनुरोध करता हूँ। मैडम, कुष्ठ से संबंधित स्टिग्मा और भेदभाव को कम करने में सामान्य व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है? अंग्रेजी में रिपीट करता हूँ, व्हाट रोल अ कॉमन मैन कैन प्ले इन रिड्यूसिंग द स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड टू लेप्रसी। थैंक यू
Thank you so much, Dr. Agarwal. And before I start, I want to thank you and NLR कि इतनी अच्छी opportunity दी है कि हम ये लोगों तक पहुंचा सके. और जैसे डॉक्टर विवेक ने बोला और मिस्टर वेणुगोपाल जी ने बोला कि अवेयरनेस एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होना चाहिए, इसका जागरूकता बहुत जरूरी होना चाहिए. और समाज और एक आम आदमी और कम्युनिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है. तो कुछ चीजें मैं बताने मांगती हूँ कि किस तरह से समाज के लोग और एक आम आदमी हेल्प कर सकते हैं. तो सबसे पहले है नो द फैक्ट्स. आप अपने को और सिखाइए, तथ्यों को जानें, बीमारी के बारे में खुद को शिक्षित करें, सही और ज्यादा से ज्यादा जानकारी ही शेयर करें. बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे समाज में बहुत सारे जागरूकता की जरूरी है और हर इंसान बहुत कुछ कर सकता है. पर सबसे पहले कुछ करने से पहले अपने को बताएं, अपने को जानकारी दें, रिसर्च करें. सोशल मीडिया है, बहुत कुछ है. अंडरस्टैंड कि ये डिजीज कैसे होता है. फर्स्ट नो द फैक्ट, एजुकेट योरसेल्फ अबाउट द डिजीज एंड ओनली शेयर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. Half baked information leads to a lot of myths and misconceptions and further stigma. बहुत से लोग अभी भी उनको पता नहीं कि leprosy completely curable है, इसका इलाज है. और ये भी नहीं पता है कि अगर आप delayed treatment के लिए जाएंगे तो आपको disability set in हो सकती है. दूसरा है make sure that any materials that you're using in communications do not reinforce stereotype. बहुत ही ये सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी है कि कोई भी प्रकार का कम्युनिकेशन, चाहे आपका सोशल मीडिया हो या आप अपने कोई पोस्ट में शेयर कर रहे हैं या किसी के बारे में लिख रहे हैं, कि ऐसी तस्वीरें ना डालें जिससे रोगियों को पुष्ट होंगे और आगे उनको रीइन्फोर्स करेंगे. दूसरा बहुत ही जरूरी है कि आप अपने एटीट्यूड और बिहेवियर को देखें और उसको कंट्रोल करें, अपने व्यवहार और रवैये से अवगत रहें. ये बहुत जरूरी है बिकॉज स्टिग्मा एक अलग चीज है, बट डिस्क्रिमिनेशन जो आपका एक्शन है बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा वो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है. तो लोग जाते नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, लोग आपको बताते नहीं है क्योंकि उनको आपके व्यवहार से डर लगता है कि आप उनसे किस तरह से उनके प्रति किस तरह का व्यवहार करेंगे. तो अपने व्यवहार के बारे में बहुत ही ध्यान दें. एंड देन कोई भी प्रकार का नेगेटिव बिहेवियर हो, स्पीक आउट अगेंस्ट एनी नेगेटिव बिहेवियर स्टेटमेंट इंक्लूडिंग एनीथिंग दैट यू सी. अगर आप टीवी सीरियल देख रहे हैं और उसमें कुछ रोग के बारे में या कुछ रोगियों के बारे में कुछ भी नेगेटिव चीज बोली गई है, किसी प्रकार का भी नकारात्मक व्यवहार से अवगत रहें और उसके खिलाफ बोले. कभी भी आपने रिसेंटली एक सीरियल आया था और उसमें उन्होंने बहुत ही नेगेटिव चीजें लेप्रेसी के बारे में बोली थी. तो इमीडिएटली लोगों ने और लोगों को बताया कि आप लिखें, तो लिखे और उनको लिखा और फिर उन्होंने ये डायलॉग्स हटा दिया था. अपने वर्ड्स, चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली. करेक्टिंग नेगेटिव लैंग्वेज कैन कॉज स्टिग्मा. अपने शब्दों को ध्यान से चुने. नकारात्मक भाषा को सुधारना बहुत जरूरी है क्योंकि कलंक और भेदभाव भाषा से बढ़ सकता है. जैसे हम आमतौरी से कोड़ी बोल देते हैं बिना सोचे समझे या लेपर वर्ड यूज कर देते हैं, इससे बहुत ज्यादा स्टिग्मा रीइन्फोर्स होता है. तो समाज में और आम आदमी को और सभी को बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा कि वो किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं. सपोर्ट पीपल स्पेशली दोज हु आर अफेक्टेड बाय लेप्रसी एंड दोज हु आर डिसेबिलिटी. लोगों की सहायता करें, उनकी सहायता जहां भी आपको लगे कि उनकी सहायता करना जरूरी है करें. सभी को समावेश करें, इंक्लूड एवरीबडी. चाहे आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो या कोई इवेंट कर रहे हो या कोई प्रोग्राम कर रहे, वी हैव टू फॉलो द इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस. एजुकेट एवरीबडी एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस. दूसरों को शिक्षित करें, सिर्फ अपने को नहीं शिक्षित करें. एक हम लोगों ने प्रोग्राम करा था पावर ऑफ थ्री, एक कैंपेन था, तो हम लोगों ने स्कूल में करा था और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में करा था और लोगों को बोला था कि देयर इज सो मच पावर ऑफ थ्री दैट आप अपनी जानकारी तीन लोगों को और देंगे,
आपके फैमिली में, अपने फ्रेंड्स को या आपके घर में जो काम करते हैं, सिर्फ वो थी इनकी लेप्रोसी कैसे होता है और क्या है। सिर्फ करेक्ट जानकारी से हमने देखा था कि स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन में बहुत कमी हो सकती है थ्रू करेक्ट इंफॉर्मेशन। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड सजेस्ट। धन्यवाद निकिता जी, आपने बड़े अच्छे टिप्स दिए। आपका ये पावर ऑफ थ्री तो बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल है ज्यादा से ज्यादा लोग अगर ये करना शुरू करें तो एक बहुत बड़े मास तक हम लोग पहुंच सकते हैं। और मैडम, आपने दो वर्ड्स जो कि काफी यूज होते हैं लेकिन नेगेटिव हैं, डेरोगेटरी हैं, एक वर्ड आपने कोढ़ी कहा और एक कहा आपने लेपर, तो ये दोनों वर्ड बहुत ज्यादा यूज हैं। और मैं सभी ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि इस पैनल डिस्कशन से एटलीस्ट ये दो तीन चीजें आप ले लें, ग्रहण कर लें और आगे बढ़ें। सही नॉलेज आपको थोड़ी बहुत सही नॉलेज आज मिल जाएगी, लेकिन इसके बाद भी आप और सही नॉलेज लेना चाहते हैं तो हम लोगों को कांटेक्ट करें और हम आपकी जो भी प्रश्न होंगे उसका उत्तर देंगे और मदद करेंगे आगे बढ़ने में, और हमें सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। थैंक यू निकिता जी। नेक्स्ट मैं श्री रजनीकांत जी को बुलाना चाहता हूँ। रजनीकांत जी, सर नमस्कार। सर, कुष्ठ के कारण हुए विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों को किस तरह की मदद की जरूरत होती है? अंग्रेजी में बोलता हूँ, What support can be provided to a person suffering from leprosy-related disability? Rajni ji. So, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और ससागावा फाउंडेशन को जिसने ये पैनल को ऑर्गेनाइज किया और मेरे को इस पैनल में बुलाया। So, मैं अपने अनुभव के आधार पे जो डिसेबिलिटी होती है वो इरिवर्सिबल होती है एक समय के बाद, जो वापस नहीं लौट सकती, और एक आदमी एक औरत को उसके साथ पूरा जीवन व्यतीत करना, तो उसमें उसको जरूरत जो होती है कि वो जो है डिसेबिलिटी, तो एक तो हमारा जो अभी आरसीएस होता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जिससे उसके अपियरेंस और फंक्शन में थोड़ी नियर टू नॉर्मल आ सकते हैं, नॉर्मल तो नहीं हो सकता है, और जो दूसरी है जो कि नहीं कर सकते हैं तो उनको प्रोग्रेसिव होने से कैसे बचा। हमारा हाथ आज मोबाइल खुला है और कल वो जाके कंस्ट्रक्शन में डेवलप होगा, फिर वो उसमें प्रेशर पड़ेंगे तो घाव होगा, घाव से फिर एम्पुटेशन हो सकता है, तो वो उसकी जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम बोलते हैं, वो डिटोरिएट होती है। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, DPMR, डिजेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहैबिलिटेशन, और सारी संस्थाएं जो इस कुष्ठ के लिए काम करती है बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन हम जब अभी भी फील्ड में जाते हैं तो हमको चार ऐसे सेक्टर मिलते हैं जिसमें बहुत कुछ अभी भी करने की जरूरत है। हम एक चीज को उठाते हैं, मेडिकल रिहैबिलिटेशन। अभी भी लोगों को सेल्फ केयर प्रैक्टिस जो सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन अभी लोग नहीं समझ पाते। हम पूछते हैं अपने लोग से क्यों करते हैं, तो बोलता है डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन उसको नहीं मालूम व्हाई ही, उसको खुद का नहीं मालूम, तो शायद कुछ दिन करके वो फिर देखता है रोज तो हार्ट स्टील आ रही है, क्यों करेंगे। सो इसलिए वो क्यों करता है वो समझाना बहुत जरूरी। और दूसरी चीज मैंने ये भी देखा है कि हमारी सरकार इतने पैसे प्रोवाइड करती है प्रोटेक्टिव फुटवियर जो NCR है, लेकिन मैं इस माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी भी जो हमारी डिजेबिलिटी ग्रेड 2 है, जिसकी विकृति या पाउंड, उसको अगर आप जब तक टेलर मेड नहीं देते वो नहीं पहनते। मैं जब गया कि घर में तो दो पैर लटका हुआ, बोले क्यों नहीं पहनते, तो बोला साहब फिट ही नहीं। तो इसीलिए हमने बिहार में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में दूसरे लोगों के सपोर्ट से मोबाइल फुटवियर में लेप्रोसी प्रोग्राम चला, कि उनको हम टेलर मेड फुटवियर प्रदान कर सके उनके घर के नजदीक। आप किसी को बुलाइए 20 किलोमीटर उसको अल्सर है, इमेजिन कीजिए क्या। जो दूसरी चीज है सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो उनको इकोनॉमिकली लिफ्ट करना पड़ेगा। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल समस्तीपुर का दूंगा। वो जो हमारा भाई है जो अफेक्टेड है, उसका एंकल ज्वाइंट से निकल गया, लेकिन उसके पास इतना स्किल है कि वो गांव में वो लोहारगिरी का काम करता है, फरसा कुदाल खुरपी सब चीज बनाता है, और लोग उसके क्यों में लगे उसको स्किल को ले, और कोई उसको डिस्क्रिमिनेट स्टिग्मा नहीं करता। हम भी गए देखने के लिए, मेरे को चरपाई थे और उसने पैसे भी दिया मेरे को चाय लाने, तो मैं देखा कि कितना इम्पावर्ड है सर।
तो शायद हमको ये भी सोचना सपोर्ट के रूप में कैसे हम इन डिजेबिलिटी लोगों के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम अपना चीज थोप देते हैं, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, बत्तख पालन, लेकिन उसके पास शायद अपना स्किल है ना। दूसरा एग्जाम्पल है कि हस्बैंड वाइफ है दोनों इंटीजी से, पहले भी आसी से प्ले प्रोस, और वो बांस की टोकरी बांस का सूप बनाते हैं, इतना प्राउडली बोलता है कि मुखिया जी का बेटा भी छठ में मेरे यहाँ पे लेता। तो देखिए उसका जो इम्पावरमेंट, क्योंकि उसके पास स्किल है, तो अगर हम अपने इस डिजेबिलिटी लोगों को अगर स्किल डेवलपमेंट करा दें, हमारे सर्कमस्टांसेस में नहीं, उनके सर्कमस्टांसेस, आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू सपोर्ट दिस पीपुल। द थर्ड वन ऑल्सो वी थिंक अबाउट द इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, वी डोंट हैव ए टूडे ऑल्सो, आई नो NLR, LEPRA एंड अदर वी आर डूइंग विद द अदर एंटिटीज like lymphatic filariasis and leprosy. Leprosy we say DPM, LF we say MMD. Same, skin care, wound care, exercise, protective care, counseling or health issues. So if we, I'm running since 19 years, and I can say more LF people is coming, less leprosy. So stigma has reduced, very cost effective. People in one panchayat, you can get 25-30. So this also, and social department can involve for the better schemes which is available in the world. The last one, which we have seen in this 2 years, is the emergency support. We are also ready, because our people means, is the Venu Gopal is here, lives in Kalon. When everything is a block, you cannot come out from your Kalon. They don't have a much simple food to cook their food. Who will support? And then they file PIL in the high court. That is not good. I think we have prepared ourselves, such kind of, you know, happen is not going to always, but in the Bihar, like flood and this kind of thing. So I think we should prepare how we can reach them for the basic material, how we can reach the medicine, how we can reach their, so that way we supplied with the many NGOs. I remember Sasakawa Foundation, and they also kit and this thing, and we supplied with this one. So at least ready to eat items so they can, they don't have to cook it. You roasted chana, lai, chura, gur, jagri. So this kind of things, I think, is a very, very important to do with this. So all these things, if we have a geo-tagging or geo-mapping of the disability cases in a community, it is easy to reach, follow, and make surveillance. Thank you, sir. Thank you, Rajnikant ji. Rajnikant ji, aapne kahi bade achche-achche messages diye. एक तो आपने मैसेज दिया कि जिनको डिसेबिलिटी है उनको क्या सपोर्ट दे सकते हैं, आपने एमसीआर होता है माइक्रोसेलुलर रबर, मतलब वो एक सॉफ्ट जूता होता है, सरकार की तरफ से देशवासियों, सरकार की तरफ से ये मुफ्त में मिलता है, और देशवासियों हमारे हर पीएससी में ये उपलब्ध है, लेकिन बहुत लोगों का हमें नहीं पता है। ठीक वैसे ही रजनीकांत जी ने बोला कि RCS रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, तो उससे काफ़ी फायदा हो सकता है, लेकिन उसकी भी ज़रूरत है कि सही टाइम पे RCS की नीड डिटेक्ट हो, क्योंकि एक बार जॉइंट अगर ज़्यादा सख्त हो गया तो शायद वो नहीं होती सर्जरी, इसलिए टाइम से। उसके बाद उन्होंने कहा फिजियोथेरेपी, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो फिजियोथेरेपी ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, और उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई कि हम सेल्फ केयर के बारे में बोलते हैं, लेकिन लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि क्यों करना चाहिए सेल्फ केयर। और एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी बताई कि खाली ये नहीं, बट उनको हम लाइवलीहुड का भी सपोर्ट हमें देना है, और लाइवलीहुड का सपोर्ट हम जब देते हैं, हम अपना एजेंडा लेके नहीं जाएं, बल्कि हम उनसे उनकी स्किल के बारे में पूछें, उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछें, और उसी हिसाब से हम सपोर्ट करें। धन्यवाद रजनीकांत जी। अब कार्तिक मेरे ख्याल है वो ज्वाइन नहीं कर सके हैं, लेकिन उनका हम वीडियो प्ले करेंगे। कार्तिक वेलकम। सो कार्तिक जी, जिनका मैं पहले परिचय करवाया था, वो लेप्रसी कॉलोनी रहते हैं बंगाल में, IIT खड़गपुर में, वो हॉर्टिकल्चर का उन्होंने कोर्स किया है, वहाँ पढ़ाते भी थे, उसके बाद वो उसी समाज में उसी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को उन्होंने मशरूम कल्चर सिखाया है, उनको काफ़ी सारे सम्मान मिले हैं,
इस सामाजिक काम करने के लिए। कार्तिक जी, अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, जो मैं पहले हिंदी में बोलूंगा उसके बाद अंग्रेजी में दोहराऊंगा। सर, आप खुद एक कुष्ठ पीड़ित व्यक्ति होने के नाते और एक कुष्ठ कॉलोनी में रहने वाले के रूप में सामान्य जन जन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अंग्रेजी में दोहराता हूँ। यू एज अ लेप्रसी सर्वाइवर लिविंग इन अ लेप्रसी कॉलोनी, व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू द कॉमन मैन? कार्तिक जी, सबसे पहले आप सबको नमस्ते मुझे इस पैनलिस्ट में ऐड करने के लिए, और स्पेशली ससाकावा और एनएलआर का जो जॉइंट वेंचर है इसमें मैं युक्त होने पर अपने आप को बहुत ही भाग्यवान महसूस करता हूँ। मेरा जो आपका जो प्रश्न है कि ये कॉमन मैन को लेप्रोसी डिजीज के बारे में क्या बताना चाहिए, तो पहले ही डॉक्टर विवेक सर ने भी बता चुके हैं, और आपका ये जो वेणुगोपाल सर थे उनका जो स्टोरी था वो भी मेरे स्टोरी से भी रिलेट करता है, और रजनीकांत सर ने भी बहुत बढ़िया बोला है लेप्रोसी के जो स्कोप्स है, जैसे हेल्प करना चाहिए उसके बारे में, और लेप्रोसी मिशंस का जो निकिता सारा मैम थे उन्होंने भी बहुत बढ़िया डिस्क्राइब कर चुके हैं कि लेप्रोसी का जो स्टिग्मा है और कुछ कुछ जैसे टफ वर्ड है, आप जैसे बोले कोड़ी या फिर लेपर, ऐसे वर्ड नहीं यूज करना चाहिए पब्लिक प्लेस में, ऐसे कि अवेयरनेस थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं एक्चुअली लेप्रोसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूँ या फिर कुछ और, कि मैं पहले जब मेरा होश आया तब मैं जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में एक लेप्रोसी फैमिली का बच्चा होने के खातिर आज जिस पोजीशन में हूँ उसका पूरा पूरा श्रेय मैं अपने लक को ही बोलना चाहता हूँ। बेसिकली मेरा ऐसे भी मेरा कुछ मोटिव था बचपन से ही कि मैं जन्मा हूँ ऐसे, मतलब पला बड़ा हूँ ऐसे, लेकिन अपने आप को एस्टेब्लिश करके एक दुनिया का सामने एक ऐसा उदाहरण पेश कर सकूं कि मेरे जो प्रयास है इस प्रयास से कुछ आदमी भी अगर मतलब इंस्पायर हो तो वो भी मेरा सफल होगा। तो शुरुआत से शुरू करते हैं सर। पहले कॉमन मैन को मेरा स्टोरी थोड़ा बोलना जरूरी है क्योंकि उन लोग का जो आइडिया है वो क्लियर हो जाए। मेरा स्टोरी वेणुगोपाल जी से भी पूरा रिलेट करता है लेकिन उससे और भी ज्यादा डीपली है। मैं पहले जो लेप्रोसी कॉलोनी में जन्मा हूँ, मैं जन्मा ही हूँ लेप्रोसी कॉलोनी में। मेरा फादर थे जो एक गांव में रहते थे, अभी झारखंड हो गया है वहाँ, पहले वो बंगाल का ही एक पार्ट था। तो निमडी बोल के एक जगह है, वहां पर मेरा फैमिली पूरा रहता था उस टाइम पे। हाल ही में आपका वो 1947 के आसपास हाल ही में भारत स्वाधीन हुआ था, तो उस टाइम में क्या हुआ था, जात पात का थोड़ा इश्यू उधर चल रहा है। तो उसी टाइम मेरे पिताजी का जो मेरा परदादा थे सौदा को लेप्रोसी इफेक्टेड हो गया, उस वजह से पूरा फैमिली को, हम लोग का पूरा फैमिली को उस गांव से थ्रो आउट कर दिया गया। तो तब हम लोग आ गए थे दुर्गापुर, आप समझ लीजिए झारखंड से दुर्गापुर ट्रैवलिंग कैसे होगा ये आप थोड़ा गेस कर लीजिए कि उस टाइम का जो सिचुएशन था तब कैसे कष्ट सहा होगा। दुर्गापुर तब इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रहा था, तभी कुछ स्टील प्लांट कुछ फैक्ट्रियां बन रहा था, तो इस वजह से इस काम करने के लिए इधर आ गए। अब इधर आने के बाद तो घर नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करते थे, मतलब हम तो छोटे थे तो कुछ दुकान था गुमटी जैसे बोलते हैं, चाय के दुकान टपरी जैसे बोलते थे, उस चाय के टपरी के सामने जो जगह बसता था रात को वहीं सोते थे। एक बस स्टैंड था सिटी सेंटर, अभी भी है सिटी सेंटर, अभी मॉडर्नाइज हो गया है, तब उतना नहीं था। उस गुमटी के सामने हम लोग सोते थे, बाजू में अभी ड्राइविंग लाइसेंस का ट्रायल चढ़ता है, वहां पर एक
क्या बोले पीपल का पेड़ है, उस पीपल का पेड़ के नीचे सिर्फ हम लोग नहीं, हम जैसे 380 परिवार उस टाइम, मतलब जिस टाइम का बात कर रहा हूँ हम, वो है तकरीबन 1985 से 90, मतलब 85 to 89, उस टाइम का बात बोल रहा हूँ। तो उस टाइम हम लोग का रहने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, 380 जो लेप्रोसी फैमिली थे ये विभिन्न प्रांत से आया था, जैसे हम बोल रहे एक झारखंड से आया है कुछ, कोई मेदिनीपुर से आया था, कोई पुरुलिया से आया था, सबका एक ही स्टोरी था कि वो समाज से बहिष्कार हो चुका है। अब कुछ खुद को क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या प्रोवाइड करेगा, वो खुद कुछ नहीं जानता। और उस टाइम में एक ऐसा सिचुएशन आया था कि सोसाइटी में इतना स्टिग्मा, इतना सुपरस्टिशंस, मतलब बाजू से अगर कोई जाए तो अपना नाक पकड़ के और कुछ गाली देकर चला जाता था, और सब लोग सोचते थे कि ये पिछले जन्म में शायद भगवान का कुछ पाप किए थे, इसलिए भगवान इनको इस जन्म में ये पाप का रूप में, मतलब पाप का फल हिसाब कुछ दिया है। सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ लीजिए। तो उस टाइम में क्या हुआ था, हम लोग वही पीपल का पेड़ के नीचे दिन गुजार किया। उसके बाद एक वेस्ट लैंड था, वेस्ट लैंड में हम लोग छोटा सा झोपड़ी बनाकर एक कॉलोनी किया है। कॉलोनी करने के बाद वहां से भी हम लोग को उठाने की कोशिश कर रहा था उस टाइम का जो गवर्नमेंट था। तो हम लोग क्या किए, धर्मतल्ला कलकत्ता का एक जगह है, तो वहां पर जाके हम लोग 3 महीना तक डेपुटेशन दिया है। उस टाइम में गवर्नमेंट का हम लोग का यही बोलना चाहिए था कि पुनर्वासन, बांग्ला में जिसको बोलता है पुनर्वासन, हम लोग को अगर इधर से उठा रहे हैं तो एक हम लोग को प्रॉपर जगह चाहिए, और संविधान के अनुसार हम लोग को जीवन यापन करने के लिए, हम लोग को लाइफ बिताने के लिए एक ऐसा स्टेबिलिटी चाहिए जहां पर हम लोग को कोई और छेड़खानी ना करे। जैसे उस टाइम में हम लोग को जहाँ पर गांव मिला है वो है दुर्गापुर स्टेशन से 50 किलोमीटर ईस्ट, एक ऐसा जगह है जहाँ पर 3 किलोमीटर के रेडियस में कोई गांव नहीं है, अभी भी है ये गांव, ये दुर्गापुर लेप्रोसी कॉलोनी है, अभी इसका नाम बदल के नवदिगंता कर दिया गया है, इसलिए ताकि अगर लेप्रोसी जो जी और बोल दिया था कि नौकरी में भी कुछ दिक्कत हो रहा था, कि दिल्ली में जाकर एक दिक्कत हो रहा था कि सर उनको लेप्रोसी है इसलिए ऑफिस से निकाल दिया गया या फिर नौकरी कर लिए नहीं दिया। ऐसे मेरा साथ भी हुआ है, मैंने भी बहुत सारा काम किए गवर्नमेंट का जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पास किए करने के बाद, एक टाइम आने के बाद मुझे पूछा गया कि आप रहते कहाँ हो, ताकि फिर मेरा जो सीट है उसमें मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, फिर भी मुझसे पूछा जाता है कि आप रहते कहाँ हो, तो मैं बोलता था उस टाइम पे दुर्गापुर लेप्रोसी कॉलोनी। मुझे पता नहीं कि एड्रेस के वजह से मुझे नौकरी नहीं मिला या फिर कुछ और वजह था, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि पैनलिस्ट में जब बैठा हूँ हम इंटरव्यू में, तब हर क्वेश्चन का सही सही जवाब देने की कोशिश किया है मैंने, और मेरा मार्क्स भी अच्छा था, फिर मालूम नहीं ये कि इश्यू हो सकता था। और ये जो आपको बोल रहा हूँ, उस टाइम में 3 महीना का डेपुटेशन के बाद हम लोग को लेप्रोसी कॉलोनी दुर्गापुर में एक 85 हाउसेस दिया है 380 फैमिलीज के लिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात। हाँ तो इस टाइम में हम लोग 85 हाउस में उस टाइम रहते थे, और रहने के बाद ऊपर में छत अभी पक्का करवाए है, दीवार दीवार सब बिना टाइबीम कलम का है, मिट्टी का घर है, आप देख चुके हैं मेरा ये मिट्टी का ही घर है, मैं अब जहाँ रहता हूँ ये बाहर से प्लास्टर किया हुआ है, थैंक यू फॉर ससाकावा, ससाकावा नहीं ये प्लास्टर किया हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ, अभी घर तो मिल गया हम लोग को, लेकिन हम अपना जो इनकम है वो कहाँ से जनरेट कर सके, क्योंकि जो लेप्रोसी फैमिलीज है बेसिकली कुछ कुछ बोल रहा है कि कुछ स्किल है, स्किल मतलब हम लोग लेबर के अलावा उस टाइम पे और कुछ स्किल नहीं था, और स्किल और ऐसे कुड़िया रहता था,
कुड़िया के वजह से कुछ कुदाल भी नहीं पकड़ पाएगा या फिर कुछ काम नहीं कर पाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता था, बेगिंग। 300 फैमिलीज में 300 लोग बेगिंग करने के लिए दुर्गापुर में हम लोग जाते थे, हम लोग कब जो पिताजी थे वो लोग। तो अभी दुर्गापुर जाने के टाइम हम लोग का बीच में तीन तीन गांव पड़ता है, तीन तीन गांव, एक रेल गेट, एक एक लॉक गेट जिसको बोलता है, रेलवे क्रॉसिंग का जो गेट पड़ता है, वो गेट पड़ता पड़ने के बाद एक गांव पड़ता है। कार्तिक जी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं थोड़ा शॉर्ट में, एक मिनट के अंदर में कंक्लूड कीजिए, क्योंकि 5 बजने वाले हैं, 3 मिनट है अपने मीटिंग में। तो उस टाइम सब लोग बम्बू लेके खड़ा रहता था वहां पर, ताकि कोई इस रास्ते से नहीं आ पाए। तो जैसे बोला कि सोशल स्टिग्मा और सुपरस्टिशंस, इसका एकदम करंट एग्जांपल वो था कि हम लोग को वो गांव में घुसना नहीं देता था। तब के सिचुएशन से मैं कुछ सीख लिए थे कि उस सिचुएशन दोबारा ना आए, इसलिए मैं जैसा और 4-5 आदमी कुछ पढ़ लिख कर पूरा गाँव को हम लोग मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और सोशल वर्क के माध्यम से या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हेल्प से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गांव को थोड़ा और डेवलप कैसे कर सके। तो इस काम में हम लोग लगा पड़ा हूं, और कॉमन मैन को लेप्रोसी के बारे में यही बता रहा हूं कि आप लोग लेप्रोसी से घबराइए मत, और ये स्प्रेडेबल नहीं है, हेरिडिटी डिजीज नहीं है, और ये कुछ भगवान का कुछ अभिशाप भी नहीं है, कुछ नहीं है, ये इम्यूनिटी पावर का शॉर्टेज के कारण होता है। ये 4,000 साल से ये एग्जिस्ट करता है, एकदम मिशरीय सभ्यता से ये उसी को पकड़ता है जिसका इस डिजीज से इम्यूनिटी पावर नहीं है। तो ये फुल्ली क्योर है, अर्ली अगर कोई डिटेक्ट कर जाए तो ये फुल्ली क्योर है, डॉक्टर साहब ने बोले ही है कि ये फुल्ली क्योर है, कुछ फिजियोथेरापिस्ट भी करना होगा अगर लेट में क्योर होता है तो। और अभी मैंने जो सोशल वर्क करते करते देखा है, ये हाई सोसाइटी के घर में भी ये कुछ कुछ लेप्रोसी पेशेंट्स है, लेकिन वो लोग दिखावा नहीं करते, अपने जो पेशेंट है उसको घर में रख के उसका ट्रीटमेंट करो या फिर खाना पीना दे के उसको एक एक्स्ट्रा हिसाब के रखता है। मैंने 2 आदमी को डिटेक्ट किया है और उनको रिकमेंड किए थे हॉस्पिटल करने के लिए, तो थैंकफुली वो मेरा बात सुना है, इसलिए अभी वो थोड़ा क्यूरेबल पोजीशन में आ चुका है। तो ये एक बड़ा कारण है, और जैसे पहले इतना सोशल स्टिग्मा और ये सुपरस्टिशंस का जो बात हो रहा था पहले बहुत था, अभी थोड़ा बहुत कम हो चुका है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब अपने जो एड्रेस है, गांव का जो एड्रेस है, वो किसी से शेयर नहीं करता था, क्योंकि एक हिचकिचाहट होता है कि अब मान लीजिए कहाँ से आप बिलोंग करते हो। तो मैं बोल रहा हूँ कार्तिक जी अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, धन्यवाद बहुत आपको। और कार्तिक जी के बारे में आपने सुना, उनकी मुंह जुबानी, मैं उस लेप्रसी कॉलोनी में गया हुआ हूँ, मैंने उनका स्ट्रगल देखा है, और आज आप इनसे मिले हो। इन्होंने केवल ना ही अपना जीवन को हेल्प किया है ग्रो करने में, बल्कि अपनी पूरी लेप्रसी कॉलोनी जितने भी परिवार थे उन सब की इन्होंने मदद की है, सबको उठाया जमीन से। आपने अभी सुना कि कैसे धरना दे के एस्प्रेंड में कलकत्ते में ये 3 महीने तक, तो उसके बाद फिर इनको जगह मिली है। सो आप ये चीज, ये आग हरदम अपने ऊपर अपने पास रखिए कार्तिक, ठीक है? तो हमें इसकी बहुत जरूरत है, और ऐसे लोगों को हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। धन्यवाद। अब मैं जल्दी से जो प्रश्न आए हैं हमारे फेसबुक पेज पे लाइव प्रोग्राम के दौरान, मैं उन प्रश्नों को पढ़ता हूं और मैं पैनलिस्ट को बताओ रिक्वेस्ट करूंगा उत्तर देने के लिए। पहला प्रश्न है, ये विकास जी ने पूछा है, क्या 0-3 साल के बच्चों को भी कुष्ठ रोग हो सकता है? डॉक्टर विवेक जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए। ये बीमारी किसी को भी हो सकती, लेकिन आमतौर पर जो देखा गया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे में ये बीमारी नहीं पाई जाती है, लेकिन होने को ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। साधारणतः ये बीमारी जो है 10 साल 14 साल इस समय से ज्यादा होती है, तो 0-3 में बच्चे नहीं देखे जाते हैं।
जो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। ये इसलिए भी होता है क्योंकि बच्चे उस समय जो हमारा जो माँ का दूध होता है वो इससे हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और इस चीज के कारण हम बचे रहते हैं। थैंक यू डॉक्टर विवेक। अगला प्रश्न है, मैं डॉक्टर पाई को रिक्वेस्ट करता हूँ। शून्यपन है, हाथ की उंगलियां विकृत हो गई हैं, तो क्या ये कुष्ठ रोग है या न्यूरो की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और इनके पुनर्वास के लिए गवर्नमेंट से या अन्य सामाजिक संगठन के लोग किस प्रकार से ऐसे मरीजों एवं इनके परिवारों के बच्चों को मदद करते हैं? डॉक्टर पाए। हाँ, धन्यवाद आपके सवाल के लिए। इनका सवाल ये था कि सुन्नपन की जिसके वजह से ये कुष्ठ के लक्षण है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि कुष्ठ रोग के लक्षण में नसों को प्रभावित करना संभव है और नसों की डैमेज होने की संभावना है, और इसी वजह से जो सनसनी की प्रतिक्रिया है उसमें कमी आ जाती है, सुन्न हो जाता है और मांसपेशियों में भी कमजोरी आती है। तो अगर ऐसे लक्षण है तो वो कुष्ठ रोग की पहचान है। हालांकि स्वास्थ्य केंद्र में जाकर डॉक्टर से सही परीक्षण करके इसका कंफर्मेशन करना बहुत जरूरी है, और इसकी जांच भी है, टेस्ट भी है, तो इसको करते हुए इसका कंफर्मेशन करना बहुत जरूरी है। अगर ये कुष्ठ रोग कंफर्म हुआ है तो इसका स्वाभाविक रूप से इलाज भी, कुष्ठ रोग ये लाइलाज नहीं है। आज के दौर में MDT यानी कि बहुल उपचार प्रणाली जो है, MDT WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मल्टी ड्रग थेरेपी जो है प्रणाली जो है वो काफी सक्सेसफुल रहा है, और इसकी बदौलत पूरे विश्व में 16 मिलियन जो प्रभावित पर्सन्स अफेक्टेड विद लेप्रसी है वो सब मुक्त हो गए हैं, बीमारी से मुक्त हो गए हैं। उसी तरह से वही कहानी भारत में भी है, तो इससे साफ जाहिर है कि MDT एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल वेपन है, स्ट्रेटेजी है। तो जहां तक इस मरीज का सवाल है, इनको भी MDT की जरूरत है इनका कंफर्मेशन होने के बाद, और डिपेंडिंग अपॉन द क्लासिफिकेशन नर्व इन्वॉल्वमेंट उनकी पॉसिबैसलरी या मल्टीबैसलरी में वर्गीकरण करके उनका इलाज सही में 6 या 12 महीने तक किया जाना जरूरी है। अगर इसके अलावा जो नर्व डैमेज, अर्ली नर्व डैमेज जिसका संकेत हमने जल्दी कंफर्म किया है, तो उसमें एडिशनल सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी बहुत जरूरी होती है। जैसे हमारे अन्य पैनलिस्ट ने भी जिसका जिक्र किया है, डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहैबिलिटेशन DPMR प्रोग्राम है जो कि राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निर्मूलन कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा अंग है, और इसमें मेडिकल रिहैबिलिटेशन यानी कि एडिशनल ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टीरॉइड्स की बहुत जरूरी है, जिसकी बदौलत नर्व डैमेज जिसको हम रोके, जल्दी से जल्दी रोके और इसको आगे न बढ़ा दिया जाए, जिसकी वजह से हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। और ऐसे हमारे पास कई उदाहरण है जिसमें हमने नर्व डैमेज को रिवर्स किया है और सेंसरी मोटर डैमेज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं और इसको करेक्ट भी करते हैं। तो ये सब जरूरी है। अगर इसमें लेट डिटेक्शन होता है तो रिहैबिलिटेशन बाकी नेक्स्ट स्टेप की जरूरी पड़ती है, फिजिकल रिहैबिलिटेशन जिसमें एड्स एंड अप्लायंस की जरूरत पड़ती है, फिजियोथेरेपी यानी कि भौतिक उपचार की प्रणाली की जरूरत पड़ती है, और रिहैबिलिटेशन तो काफी परिवारों को तो वही इसकी जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। तो ये सब जो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है इसको अपनाया जाना चाहिए, जिसकी वजह से पूरा ट्रीटमेंट होना चाहिए और डिफॉर्मिटी भी प्रिवेंट होना चाहिए, यानी कि विकृति विकलांगता को हम निश्चित रूप से बचाएं। थैंक यू डॉक्टर पाई। अब मेरा आखिरी सवाल है जो कि आया है, ये सतीश जी का सवाल है। यू टॉक्ड अबाउट स्किल डेवलपमेंट बट व्हाट अबाउट सेलिंग? देयर इज नो कस्टमर टू बाय प्रोडक्ट, व्हाट शुड वी डू इन दिस सिचुएशन? काइंडली सजेस्ट। रजनीकांत जी,
क्या मैं आपको रिक्वेस्ट करूं? Yes, sir. Thank you. Thank you for this asking question, Satish ji. So I have discussed about the skill development in their service process, and I give an example. So you know, already there is a people to buy the things from this village guy. But yes, there is another skill development, and Vivek ji is here. He is running, he is supporting in this skill development program, and have a many vocational training and this kind of thing. So, like I can give a very good example of Bihar. We have a little power leprosy welfare associator, and they are affected and infected people is running the handloom, and they are preparing the cloths, and they are selling cloths to the European country, American country, and many others. In Patna, we have a shop which is prepared by the self-help group, and marketing is done by a group of women. So you can see where you are. Maybe you can write down. We can tell you the addresses where you can sell your product. So I think this is the from my end. Thank you, Rajnikant ji. Venu Gopal ji, आपने हाथ उठाया हुआ है. हाँ जी. सतीश जी बहुत अच्छा सवाल उठाया है. वो आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं परिवर्तन आ रही है, क्योंकि हमारे कुष्ठ पीड़ितों की संस्था अपार और सास्कावा इंडिया लेपर्सी फाउंडेशन हम मिलके के लिए प्रयासरत है. और मैं बता सकता हूँ कई स्थानों पर हमारे लोग अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं और कुछ शॉप्स भी बनाया है. अगर हमारी पॉपुलेशन की देखते हुए हम ये नहीं कह पाएंगे कि भाई बड़े स्तर पर हो रहा है, लेकिन ये आरंभ हो चुकी है और हमारे लोग वृक्षावृत्ति छोड़कर काम करते हुए अपना जीविकार्जन कर रहे हैं. और हम आशा करते हैं कुछ एक साल में हमारे लोगों की जीवन में बहुत सी परिवर्तन आने का आशा है. धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद वेणुगोपाल जी. तो अब हम आखिर में आ गए हैं इस चर्चा के. ऑलरेडी हमारा 10 मिनट ज़्यादा हो गया है टाइम से. आज इस चर्चा में हमने जाना कुछ रोग 4000 साल से ज़्यादा पुराना है और जो अभी हमारे देश में करीब 1,00,000 लोगों को हर साल होता है. उनमें से कई लोग विकलांग हो जाते हैं, जिसके इलाज और रोकथाम के लिए सरकार मुफ्त में दवाई देती है. और जिस रोग को ख़त्म करने के लिए सारे देशवासियों को साथ मिलकर बिना किसी भेदभाव के कुछ से पीड़ित लोगों की और उनके परिवारों की मदद करना जरूरी है. मैं डॉक्टर अनिल कुमार जी, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल लेपर्सी, जो कि व्यस्तता के कारण थोड़ी देर पहले वो इस डिस्कशन से चले गए हैं, लेकिन ये पूरा डिस्कशन उन्हीं के गाइडेंस पे हुआ है. उन्होंने कीनोट एड्रेस भी दिया था. मैं उनको धन्यवाद करता हूँ उनके पार्टिसिपेशन के लिए और उनके गाइडेंस के लिए. और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सारे विद्वान पैनलिस्ट, जो कि आपने देखा बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज हमें उन्होंने दिया है. और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सारे ऑडियंस को, जो कि फेसबुक पेज पे लाइव जुड़े हुए हैं और उन्होंने क्वेश्चंस भी पूछे और हमने उनको उत्तर देने की भी कोशिश की. और मैं इस बात के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ इस डिस्कशन को कि ये एक अनहोनी चीज़ नहीं है. ये हो सकता है, लेप्रसी ख़त्म हो सकती है. लेप्रसी लोग खुशहाल जीवन जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है
कि हम सब देशवासी, लोग 1.3 बिलियन लोग हैं, 130 करोड़ देशवासी, अगर हम लोग ये ठान लें कि जितने भी लोगों को लेप्रसी होती है या फिर जितने को भी डिसेबिलिटी है उनको अगर हम सपोर्ट करें तो ये एक बहुत ही छोटी सी चीज है, बहुत ही छोटा काम है। और हमारे देश में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे देश में वॉलंटियर्स की कमी नहीं है, हमारे देश में मददगारों की कमी नहीं है, लेकिन क्या है कि हमें सही समझना पड़ेगा, हमें ये हमारे अंदर से जो डर है हमारा, जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि सही जानकारी नहीं है, उसके कारण हमारे अंदर में जो डर है उसको हमें खत्म करना पड़ेगा और हमें एकजुट होके इस लेप्रसी को खत्म करने के लिए हमें काम करना होगा। और आप के कुछ प्रश्न आज की इस चर्चा में एड्रेस हुए हैं और बहुत सारे और प्रश्न आएंगे आपके दिमाग में, तो प्लीज आप हमारे फेसबुक पेज पे, एनएलआर इंडिया फाउंडेशन के फेसबुक पेज पे अपना मैसेज डाल दीजिए, अपना कांटेक्ट डाल दीजिए और हम आपको कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।